मास्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी घटना होनी चाहिए, बहुत दंड मिलना चाहिए। मतलब उसको ऐसा सबक आज मेरे के बच्चों के साथ में हुआ, अन्यथा कभी किसी बच्चों के साथ में और भी कर सकता है। नाम तेरा? तो तेरे को क्या मास्टर ने मारा था? क्या करा था मास्टर ने? मारा था। क्यों मारा था? मैं वहाँ पर मतलब और लड़के वो कर रहे थे वो और मेरी क्लास में भी करने लग गए, पर सब ने उसे मेरे क्लास में भी नहीं मारा और मेरे को मार दिया। क्या क्या करा तेरे साथ? कैसे मारा तेरे? पहले तो मेरे को लाते सीधी, फिर हाथ पकड़ के नीचे पटका, फिर मेरे जेब को दिए गालों पे। तो तूने उनको मना नहीं करा था? मना करता करने का मौका ही नहीं दिया। सर मेरा नाम शिवपाल सिंह। किस तरह की घटना हुई आप मेरे बच्चों के मास्टर के क्लास के मास्टर टीचर जो वो नरेंद्र जैन ने उसकी उसने जमकर पिटाई की। किस कारण से पिटाई की? क्या किस तरह की चोटें आई है? सर इसके रीढ़ के हड्डी के मायने प्रॉब्लम आ रही है और बच्चों ने जाने हमारी स्कूल जो स्कूल थी ना उसके बाहर जो रास्ता निकल रहा है पीछे से कुछ बच्चों ने शोर शराबा किया, पीछे वाले बच्चों ने रस्तों से शोर शराबा किया, तो क्लास के अंदर जो कोई 50 बच्चे बैठे थे उन बच्चों ने भी किसी ने किया या किसी ने नहीं किया, मास्टर ने किसी से बच्चों से पूछा भी नहीं था कि किसने किसने शोर शराबा किया। उन्हें अपना बच्चों ने किताब अपने मुंह पर लगा रखी थी जो वो शख्स है किसी बच्चे से पूछा भी नहीं है किसने शोर शराबा किया किसने नहीं किया। उन्हें मेरे बच्चों की जो गर्दन पकड़ के पहले तो उसने परस्पर नीचे गिरा दिया, परस्पर नीचे गिराया, नीचे गिराने के बाद में उसके गर्दन पर पैर रख दिया, पैर रख के उसने अपने मेरे बच्चों को जैसे फुटबॉल की तरह जिसने टिके देते जैसे पर्स पे उड़ाए फिर बच्चों ने। स्कूल के अंदर हम बच्चे को शिक्षा लेने के लिए मास्टरों के पास में भेजते हैं, बच्चा शिक्षा ग्रहण करेंगे या उसके दिमाग में जो बैठेगी, पर मास्टर को इतना हक नहीं है जो बच्चों को मार गिराए या बच्चों को मार दिया जाए। अगर बच्चा बदमाशी करता तो माता पिता को सूचित करना उसको अनिवार्य होता है, हम कुछ रहे नहीं थे और बच्चों को ऐसे बुरा पीटा और पीटने के बावजूद भी उसने यह किया कि बेटा किसी को खेना ही नहीं, स्कूल की बात बार मत भेजना, आपके लिए दुआ एक बड़ी पट्टी जो भी हम करवाएंगे वो हम करवा देंगे, किसी को भी मत खेलना।